हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल ऑल इन वन ब्लॉग्स। तो इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश की 10 खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे हमारा मांडू, जिसे मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहां आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको यहां बहुत से महल देखने मिलेंगे, जैसे कि दाई का महल, जहाज महल और भी बहुत से महल और किले हैं जो आपको यहाँ देखने मिलेंगे, जो अपनी प्राचीन परम्पराओं को दर्शाते हैं। और आपको यहाँ खंबा टेम्पल भी देखने मिल जाएगा जो बहुत ही पुराना है। 9वें नंबर में हमारा ओरछा शहर। इस शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल चतुर्भुज मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सन 1558 में राजा मधुकर के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आप जहांगीर महल भी घूम सकते हैं, जो बुंदेलों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती का प्रतीक है। यह 3 मंजिला इमारत आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। 8वें नंबर पे हमारा जबलपुर शहर। इस शहर के बेड़ाघाट में एक धुआंधार नामक जलप्रपात है, जो बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है तथा बेड़ाघाट को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। इसके साथ साथ आप यहां एक महल भी देख सकते हैं, जो मदन महल के नाम से जाना जाता है, जो रानी दुर्गावती ने बनवाया था। इसके बाद आप यहाँ एक बहुत बड़ी शिव भगवान की मूर्ति देख सकते हैं, जिसे शिव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ भी आ सकते हैं। 7वें नंबर में हमारा खजुराहो, जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। खजुराहो के अलावा यहाँ और भी हिंदू मंदिर हैं, जैसे कि चित्रगुप्त मंदिर और लक्ष्मणा मंदिर, जो अपनी कलाकृतियों के द्वारा आपको अपनी ओर आकर्षण करते हैं। 6वें नंबर में हमारा सांची शहर, जो कि बहुत ही प्राचीन शहर है। इस शहर में आपको प्राचीन मंदिर और स्तूप देखने को मिल जाएंगे। स्तूपों में से एक प्राचीन स्तूप है, जिसे सांची का स्तूप कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का स्मारक है। 5वें नंबर में हमारा ग्वालियर शहर आता है, जो मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है। आपको यहाँ बहुत से किले देखने मिल जाएंगे, इसलिए इस शहर को किलों का शहर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ राजविलास पैलेस भी देखने मिल जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत तथा बहुत ही बड़ा है। इसके बाद आप यहाँ सूर्य मंदिर में भी घूम सकते हैं, जो कि भगवान सूर्य देव को समर्पित है और यह बहुत पुराना मंदिर है। 4थे नंबर में हमारा पंचमढ़ी शहर, जिसे मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ आप बी वाटरफॉल, जिसे जमुना प्रपात भी कहा जाता है, आप घूम सकते हैं। इसके साथ साथ आप धूपगढ़ में भी घूम सकते हैं, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। इसके पास में ही आपको पांडवों की गुफाएं भी देखने को मिल जाएंगी। 3रे नंबर में हमारा उज्जैन शहर, जो भगवान शिव के बहुत बड़े मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ आपको शिव भगवान का एक और मंदिर, यहाँ काल भैरव मंदिर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको माता हरसिद्धि का भी मंदिर देखने को मिल जाएगा। 2रे नंबर में हमारा इंदौर शहर, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। यहाँ भी आपको भगवान शिव के एक मंदिर का दर्शन करने मिलेगा, जिसे ओमकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ के सबसे पुराने महल रजवाड़ा पैलेस में भी आप आकर घूम सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। और पहले नंबर में हमारा भोपाल शहर, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है तथा इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि अपर झील। इसके साथ साथ यहाँ आप यहाँ गुफाएँ भी देख सकते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएँ इत्यादि। और आपको यहाँ एक वन भी देखने मिल जाएगा, जो वन बिहार नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।